केंद्र सरकार के निजीकरण के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैंक, रेल सहित कई पब्लिक प्रॉपर्टी के कागजी मॉडल बनाकर उनकी नीलामी की और केंद्र के खिलाफ नारे लगाए। निजीकरण के खिलाफ कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने अनूठा प्रदर्शन करते हुए सरकारी संस्थानों के मॉडल बनाए और उनकी प्रदर्शनी लगाकर केंद्र सरकार के निजीकरण का विरोध जताया। कांग्रेसियों ने पीएम मोदी का मुखौटा पहनकर उनके विरोध में नारे लगाए। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने आरोप लगाया कि मोदी पीएम बनने से पहले कहते थे ये देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन अब मोदी सरकार देश के सभी संस्थानों को निजी हाथों में दे रही है। बैंक, रेल और कई सरकारी संस्थानों के साथ अब भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को भी निजी हाथों में बेचने की तैयारी की गई है। ये सभी सरकारी संस्थान उद्योगपतियों को बेचे जा रहे हैं। जनता के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वासघात किया। देश की बेशकीमती संपत्ति को बेचकर, जो संपत्ति ये 6,000 करोड़ रुपए में अपने उद्योगपति मित्रों को बेच रहे हैं, उस संपत्ति का आकलन लगभग 40,000 करोड़ रुपए है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा देके सरकार में आए और आज देश की हालत, देश की अर्थव्यवस्था सबके सामने। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।